अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। 17:54 हो रहे हैं, मतलब कि शाम के 5:54 हो चुके हैं। और तारीख तो 12 मई 2023, दिन जो है शुक्रवार, जिसे हमारे इसमें जुमा का दिन कहते हैं। देख सकते हैं ये अंदर वाला रूम है ना, क्योंकि ऐसे जिले की जेट तक अलहमदुल्ला दिलसद मुझे को पूरी बात बताने की आदत है। बताएंगे, पूरी बात बताएंगे इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं, ये जा नमाज बिछी हुई है ना, ये तस्बीह है ना। और ऐसे लेके जेट तक बाद इसके बताएंगे, क्योंकि लगभग जो जब बता चुका था इसके पहले वाले वीडियो में है ना, 11:35 पे यशोदा चौक पे गया था, जो यहाँ से 200 मीटर पे है, और 11:45 पे वापस आ गया था है ना, रिचार्ज डालने गया था किसी और के मोबाइल में, क्योंकि बताना भी जरूरी है ना, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा है ना। इसके बाद में घर पर आया, बाद में वगैरह फारिग तो पहले ही हो चुका था। इसके बाद में जो है 1:15, 1:45 पे नींद लगी थी, क्योंकि बता चुका था आधे घंटे की नींद हुई थी। इसके बाद में 3:45 पे नींद खुली, बाद पानी वगैरह भरा, बाथरूम वगैरह से फारिग हुआ। इस वक्त आपके सामने हूँ, जहाँ तक कि जुमे की नमाज़ भी छूट गई थी, तो घर में अभी जो असर की नमाज, जोहर की कजा नमाज़ पढ़ा, अपनी बीवी के लिए दुआ किया, और असर की नमाज़ पढ़ के अब जो है मैं जो हूँ ना मेडिकल जा रहा हूँ, जो राजा बाग सवा सैयद साहब की बारगाह में जा रहा हूँ। दिलसद मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया, अपनी बीवी के मेटर में जिन जिनात खबीस मुर्दों के जरिए से अपना मेरा काम होगा, देख सकते हैं ना। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दिलसद मिर्जा को एक एक बात बताने की आदत है, दिलसद मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया है ना। यहाँ तक कि दोस्त का भी फोन आया था, सैयद सज्जाद अली है ना, पूरी बात आने के बाद बताऊंगा कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई है ना। देख सकते, ताला लगा देता हूँ पहले। देख सकते हैं ताला भी लगा दिया है ना, क्योंकि और ये अगरबत्ती अमल में जा रही हो सारी अल्हम्दुलिल्लाह, गलत का अंजाम देख सकते हैं, गलत का अंजाम तो गलत ही होगा, क्योंकि दिलसद मिर्जा पैदल जा रहा है, हो सकता अल्लाह का कोई बंदा मिल जाएगा, 2-4 किलोमीटर की लिफ्ट दे देगा तो बैठ जाऊंगा। दिलसद मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तौर पर काम जारी हो सारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।